केंद्रीय भूतल परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि समाज के प्रत्येक गरीब का जीवन खुशहाल बनाना ही उनका उद्देश्य है। इसके लिए स्वास्थ्य एवं शिक्षा क्षेत्र में गरीबों को अधिकाधिक सुविधा एवं सेवा देने का वे प्रयास कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि गरीब जनता की सेवा करना ही सच्ची राजनीति है। सहयोग से हुए इस कार्यक्रम में पद्मश्री डॉक्टर विकास महात्मे, पूर्व विधायक सुधाकर कोड़े आदि प्रमुखता से उपस्थित थे। इस दौरान गडकरी ने कहा कि नागपुर को मोतियाबिंद मुक्त बनाना उनका सपना है। इस दिशा में स्वर्गीय भारूताई गडकरी ग्रामीण विकास संस्था के जरिए नेत्र जांच का अभियान चल रहा है। वे बुजुर्गों को चश्मे एवं कर्ण यंत्र वितरित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि गढ़चिरौली, सिरुंचा, एटापल्ली, अहेरी इन नक्सलग्रस्त इलाकों में स्वर्गीय लक्ष्मण राव मानकर ट्रस्ट की ओर से आदिवासी बच्चों के लिए लगभग 1000 स्कूल हम चला रहे हैं। यह 1000 से अधिक शिक्षक व अन्य कर्मचारी तथा 25000 से अधिक विद्यार्थी है। बीते 26 वर्षों से यह कार्य अविरत जारी है। वे सूर्योदय लोक सेवा प्रतिष्ठान की ओर से रविवार को क्रीड़ा चौक स्थित ईश्वर देशमुख महाविद्यालय के सभागृह में आयोजित लाभार्थी सम्मेलन एवं चश्मा वितरण कार्यक्रम में बोल रहे थे। लोक सेवा प्रतिष्ठान च्या माध्यमातून या ठिकाणी गेल्या महिन्याभरात 30 कॅम्प झाले। 15000 लोकांनी कॅम्प मध्ये भेटी दिल्या। 6447 लोकांना आज या ठिकाणी एकावेळी चष्मा वाटप होत आहे। मी स्वर्गीय भानुताई गडकरी प्रतिष्ठानचा मनापासून या ठिकाणी आभार मानतो। आदरणीय नितीनजी गडकरी यांच्या आशीर्वादाने या प्रतिष्ठानने आम्हाला 27 दिवस सहकार्य केलं। आयजीएमसीने केलं, जीएमसीने केलं, शालीनताई मेगा हॉस्पिटलने सुद्धा आम्हाला सहकार्य केलं आणि त्यामुळे आम्ही 15000 पेशंट तपासू शकलो। आज 6000 पेशंटला चांगल्या क्वालिटीचा चष्म्याचं या ठिकाणी वितरण होत आहे। ते आम्ही ऑर्डर देऊन मागवलेले आहे। मला आनंद आहे की माझ्या दक्षिण नागपुरातील जनतेचं माझ्यावरचं प्रेम आज 5 वर्षांनंतरही कमी झालेलं दिसत नाही। तुफान गर्दी आहे, हा हॉल पूर्ण भरलेला आहे, मागच्या हॉलमध्ये सुद्धा पाय ठेवायला जागा नाही। मी आपल्या माध्यमातून सर्वांना आवाहन करतो की आपण सेवेची मला संधी दिली, पुढे संधी द्याल, निरंतर जीवनभर आयुष्यभर आपली सातत्याने सेवा करत राहील अशी ग्वाही देतो। आणि परमेश्वर मतदार राजा जनता जनार्दन मला सातत्याने आशीर्वाद देत राहील अशी परमेश्वर चरणी प्रार्थना करतो। धन्यवाद। आज आम्हाला किती चष्मा मिळालेला आहे, सुधाकर साहेबांचे खूप खूप धन्यवाद यासाठी। चष्मा वाटप जे आहे ते अतिशय सोयीस्कर पद्धतीने सुरू आहे। धन्यवाद। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहट के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।